ये आकाशवाणी है। दीन दुनिया नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है डॉक्टर गौरी शंकर रैना के मूल कश्मीरी नाटक का ये हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक हैं सरला रैना। तो सुनिए नाटक दीन दुनिया। हाँ, यही कहीं है राधा कृष्ण का मकान। नहीं, ये नहीं। हाँ, ये है उसका घर। यही ऊपर की मंजिल में उसने किराए का कमरा ले रखा है। हो ना हो काम पर निकल गया होगा। चलो कोशिश करने में क्या जाता है। चलो कितना अंधेरा है इन सीढ़ियों में। मालिक मकान किराया तो लेता है मगर ये नहीं कि यहां एक बल्ब भी लगवाते। दिन में भी अंधेरा। ये रहा उसका कमरा। अरे भी राधा कृष्ण, राधे भाई कहाँ हो? अरे आया भाई, आया आया आया। अरे दीनानाथ, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। सुबह सुबह। हाँ दोस्त, कुछ काम था सो चला आया। सोचा अगर तुम निकल गए तो फिर अरे नहीं, 10 बजे से पहले मैं कहाँ निकलता हूँ। 15 मिनट में मालिक की दुकान पर पहुंच जाता हूँ। वैसे भी 11 बजे से पहले काम कहाँ शुरू होता है, और ऊपर से ये ठंड। हाँ भाई, कश्मीर की ठंड का क्या भरोसा। अच्छा ये बता, इतने दिनों बाद मेरा ख्याल कैसे आया? राधे, दरअसल अपने ही काम से आया हूँ। सोचा अपने ही दोस्त से कुछ सहायता लूँ। हाँ क्यों नहीं, बताना क्या बात है। देख राधे, पिछले ही महीने श्यामा का देहांत हो गया। हाँ दोस्त, बड़ी प्यारी बच्ची थी, केवल 14 वर्ष की थी। यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमें छोड़कर चली गई। हाँ, यहां आती थी तो मेरी बेटियों के साथ शाम तक खेलती रहती थी। अगर उस समय एम्बुलेंस में चंडीगढ़ तक ले जाने के लिए पैसे होते तो वो जरूर बच जाती। हाँ, यहां श्रीनगर के अस्पताल में तड़प तड़प कर दम न तोड़ती। डॉक्टर ने कितनी कोशिश की और आखिर तक कहते रहे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, मगर हम कुछ कर न सके। राधे, हाँ? इस वक्त भी वही समस्या है। दीना, क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मगर इस वक्त कुछ रुपयों की जरूरत है। सोचा तुमसे उधार लेकर अपना काम चलाऊं। तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा अपना इस शहर पे। समझता हूँ दीनानाथ, तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरी मुश्किलें भी कुछ कम नहीं है। कहने को तो कश्मीर के बड़े स्टॉकिस्ट का रहना हूँ, मगर जिंदगी रेंग रेंग कर चल रही है। घर का खर्च चलाऊं, बेटियों की फीस दूं, कमरे का किराया दूं, क्या क्या करूं। चाहता तो हूं कि तेरी मदद करूं दोस्त, मगर गुंजाइश नजर नहीं आती। हाँ, हाँ दोस्त, तुम अपना गुजारा मुश्किल से चला रहे हो,
मेरी क्या मदद करोगे? दीनानाथ, ऐसा नहीं लगता कि इससे अच्छे तो हम गांव में ही थे। यहां कर क्या पाया हमने? मुसीबतें ही मुसीबतें। दिहाड़ी की नौकरी में आदमी क्या खाए और क्या बचाए। तू अपने मालिक से बात क्यों नहीं करता? वो क्या मदद करेगा, वो चल बसा है। और उसके बेटे ने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया है। तभी से दर दर भटक रहा हूं। तुम तो वाकई मुसीबत में हो। मैं ऐसा करता हूं, एक गांव जाकर अपने भाइयों से कुछ रुपए उधार लेकर आता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। जितने दिन शहर से बाहर रहेगा उतने दिन की पगार कटेगी। तो फिर कैसे होगा? तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा दोस्त? हो जाएगा, मैं चलता हूं। रुक तो सही, दीनानाथ, दीना चला गया। से तो अच्छा है कि घर ही चलूं, पर वहां जाकर भी क्या करूं? संतोष फीस के लिए पैसे मांगेगी, उसकी वर्दी भी सिलवानी है, ये तो वो पांचवी की पांचवी में ही रहेगी। क्या करूं? दर बदर कब तक भटकता रहूं? ठीक है, घर ही चलता हूं। आइए बाबूजी। ये रहा हब्बा का दल, वही रौनक, सबकी आशाओं का पुल। जो मर्जी सो खरीदो, सबकी जरूरतों का सामान बिकता है इस पुल पर। इतिहास का साक्षी है जिसके नीचे बहती है वितस्ता।
वो रहा इसके किनारे पर खड़ा सोमिहार मंदिर और वो रही हबा कतल की मस्जिद, वही चहल पहल, वही आना जाना, वही सब कुछ। अरे मछलियाँ ले लो, ये मछलियाँ। अरे क्या देख रहे हो, इतनी अच्छी ताजी मछलियाँ पूरे कश्मीर में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। हाँ बोलो बोलो, कितने सेर तोलो? हाँ बोलो बोलो। चलो इस मछुआरे के पास चलता हूँ, कुछ मछलियाँ उतार देती कि तो सीला को दे सकूंगा। इसके पास बैठा छतरी वाला कैसा मग्न बैठा है, लगा हुआ है अपने काम में। छतरियां भी ठीक करता है और ताले भी। पूरे शहर में एक अकेला छतरी वाला, मैं भी इस छतरी वाले की तरह काम नहीं कर सकता? अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, छतरी खरीदनी है क्या? नहीं भाई साहब, आप नरमन हैं तो मुझे भी अपनी शागिर्दी भी ले लीजिए। शागिर्दी? अरे भाई कैसी अहमकाना बातें करते हो। अरे पंडिता, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? हाँ भी कुछ ऐसा ही समझ लो। जाओ जाओ अपना रास्ता नापो और इसे अपना काम करने दो। हैं? कैसे बताऊं इन्हें कि वाका कशी कितनी कष्टदायी होती है। बड़े कर्ज से मैं शीला को शहर लाया था कि यहां ऐश कराऊंगा, अपना हांडी चढ़े न खाना पके। मैं अपनी पत्नी और बेटी को बिना कुछ खिलाए पिलाए कैसे रख सकता हूं, कैसे रख सकता हूं? इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं पुल से कूद कर नदी में डूब कर अपनी जान दे दूं। संतोष, संतोष। हाँ माँ। जरा तू चौक तक जाना बेटे। क्यों? और देख तेरे पापा कहाँ हैं? अब तक लौटे नहीं, सुबह के गए हैं। माँ तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। नहीं संतोष, मैं जानती हूँ तेरे पापा को, आजकल बड़े उदास रहते हैं, बहुत परेशान हैं और कई दिनों से कुछ खास खाया भी नहीं है। कल रात को भी कहवा पीकर ही सो गए थे। वो तूने और मैंने भी तो वही कहवा पिया था ना? हाँ। खाली कहवा। देख वो ना, वो जरूर हमारे लिए कुछ लाने गए होंगे। अपने तो कभी चिंता की ही नहीं, हमेशा बस तेरे और मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। निराश होकर कहीं कुछ करना बैठे, मुझे बस यही डर लगा रहता है बेटी। माँ मगर इतने बड़े पुल पर इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूंगी मैं उन्हें? तो फिर ऐसा कर बेटी, हम दोनों ही चलते हैं। हा? पीछे से वो घर आ गए तो हम दोनों को यहाँ ना देखकर और परेशान होंगे। तो फिर हम क्या करें? कुछ देर और इंतजार करते हैं। वैसे मेरा मन कहता है कि वो सही सलामत होंगे। माँ तुम उदास मत हो। बेटी तुम भी उदास हो जाओगी तो उन्हें हिम्मत कौन दिलाएगा? ये लो आगे। कहाँ रह गए थे आप? मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। वो पहले राधा कृष्ण के घर गया था। उन्होंने कुछ उधार दिया? अरे वो बेचारा तो खुद तंगी में है, मेरी क्या मदद करेगा। ये लो, ये रख लो। ये क्या है? नान बाई से कुछ रोटियां लाया हूँ और हब्बा कदल की मछुआरन से ये एक मछली ले आया हूँ। इसे पका या भून ले, मगर मेरी संतोष को भूखा मत रख। पापा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। समझता हूँ, 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है तुमने, तुम्हें भूख कैसे लगेगी? कहीं से कोई काम मिला? हाँ
मछुआरन के पास एक कारीगर बैठा रहता है, उससे काम मांगा है। बी, आज वो अगर फिर आएगा तो उससे क्या कहूँ? कौन आएगा? अरे वही दीना पंडित। दीना पंडित? हाँ, कल भी आया था, 3 दिनों से लगातार आ रहा है। अच्छा? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो आज भी जरूर आएगा। अच्छा। कहता है मुझे छतरी ठीक करने का काम सिखाओ। अच्छा। मैं भी यहाँ बैठे 2 पैसे कमाऊंगा। अब तुम ही बताओ भी, मैं क्या करूँ? अरे जब आएगा तब सोचेंगे। मैं तो यूं ही कहता रहता हूँ उससे कि आ जाना, कल आ जाना, मगर अब मैं उससे और झूठ नहीं बोल सकता। अरे बोला ना, जब आएगा तब सोचेंगे। अच्छा ये बता अजीज, अपने रिश्तेदारन से तेरा ब्याह रचा दूं? अरे भैया अभी क्या लेकर बैठ गई, मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या कह रही हैं? लीजिए, वो आ रहा है, यही आ रहा है। तू फिक्र मत कर, मैं संभालूंगा। अच्छा उस्ताद, मैं आ गया, मुझे ले लो अपनी शागिर्दी में, मैंने ये काम सीखने का मन बना लिया है, आप ही अब मेरी नैया को पार लगाएंगे। अरे पंडित जी, ये काम आपको शोभा नहीं देता। ये काम शोभा नहीं देता, वो काम अच्छा नहीं है, मालिक को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, गांव में जमीन नहीं है तो मैं क्या करूं? खुद तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लेता, मगर अपनी पत्नी और बेटी का क्या करूं? जहर के लादू उन्हें, बताओ क्या करूं? अरे तुम कोई और काम सीख लो। कौन सा काम सीख लूं? जो सीख सकता हूँ वो तो आप सीखने नहीं देते। अरे पंडित दीनानाथ, मैं पुश्तैनी कारीगर हूँ। ठीक है, मैं कारीगर नहीं बन सकता, अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, कोई काम नहीं कर सकता। अरे लगा रहा हूँ। अरे मगर एक काम तो कर सकता हूँ। क्या? मुझसे कूद कर आत्महत्या। क्या? मैं ये जिन्नत भरी जिंदगी नहीं जी सकता, मैं जा रहा हूँ पुल से कूद। अरे नहीं नहीं, अरे कोई रुको, उसे रुको, उसे कूद नहीं जा रहा। अरे रुको, रुक जा पंडित, रुक जा जी जा रहा। अरे 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 रुको, अरे रुको, अरे 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 मेरी भी हवाइयाँ उड़ गई थी, शुक्र अल्लाह का कि इसकी जान बच गई। अरे कूद जाता तो मुश्किल होती। अरे अच्छा चलो सुनो, कहा गया मैं मेरा वो पुराना बोरा ये रहा, लो मैं इसको इस पुल के ऊपर निकलने वाली इस बड़ी पानी की पाइप पर बिछाती हूँ। आजा आजा लगा। अरे पंडित जी आना, ये लग गई तेरी दुकान, बैठ इस पुल, बैठ जाओ इस पुल। पंडित सुन, अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं हटाएगा, पुलिस वाला भी नहीं। कहा गया मेरे बटुआ? अरे अजीज मेरा बटुआ कहा? ये ले, ये रहा, और ये ले पैसे, और कर अपना काम शुरू, जब मुनाफा हो तो सूद समेत लौटाना। अरे अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे रख लो ये रुपए, लो कर लो अपना काम शुरू। कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं, और तुम्हारा भी उस्ताद। तुम सलामत रहो।
तुम सलामत रहो और काम करो। हाँ। मगर ये खुदकुशी की बात कभी मत सोच। बिल्कुल नहीं सोच। अरे भाई, ये बुजदिलों का काम है। ठीक है, सुनो। हाँ। और सुनो, ये जो बी ने रुपए दिए हैं ना, इनसे तुम्हारा सामान लाएंगे। हाँ। मगर उससे पहले एक हिदायत है। हाँ हाँ उस्ताद। अरे उस्ताद नहीं, दोस्त कहो, दोस्त। देखो, ये जो छतरियों का कारोबार है ना, ये मजेदार भी है और रंगदार भी। अब ये जो रंगदार छतरियां है ना, इन्हें स्कूली बच्चे पसंद करते हैं। फोल्डिंग छतरियां मोहतरमाएं पसंद करती हैं। स्टील हैंडल वाली काली छतरियां बाबू लोग पसंद करते हैं। और लकड़ी के लंबे हैंडल वाली छतरियां ख्वाजा लोग पसंद करते हैं। इतना मामूली सा दिखने वाला कारोबार, मगर कितना ध्यान रखना होगा इसका। ये तो है। देखो, दिन में 3-4 छतरियां भी बिक जाएंगी तो तुम्हारा काम चल जाएगा। हैंडल लगाना, कमानी जोड़ना, स्प्रिंग लगाना, ये सब काम मैं सिखा दूंगा। बिल्कुल, ऊपर वाला रहम करेगा। दीना भाई, काम में जुट जाओ। ठीक है, मैं काम में जुट जाता हूँ। ठीक ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, कई दिनों से दीनानाथ को देखा ही नहीं, न जाने किस हाल में होगा वो। ये बार बार इस साइकिल की चेन उतर जाती है, पहले तो इसे ठीक करूं। अब ये तो पैडल भी अटक रहा है इसका, इसे खींचना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले दीनानाथ के घर ही चलता हूँ, यही ठीक रहेगा। है ही कितने दूर उसका घर, पुल पार किया नहीं तो उसका घर आ गया। अरे हटना भाई, हटना जरा, अरे हटो भाई। इस पुल पर जब देखो तब भीड़ रहती है, पुल पर ही बाजार लगा है। अरे हटना भैया, अरे भैया हटो। ये क्या, मछुआरन के पास उस छतरी वाले की बगल में दीनानाथ बैठा हुआ है, किसी ग्राहक को कुछ पैसे लौटा रहा है। एक हाथ में प्लास, दूसरे हाथ में स्प्रिंग, ये मैं क्या देख रहा हूं। अरे अरे दीनानाथ, ये क्या कर बैठे? वही जो बहुत पहले मुझे कर लेना चाहिए था। तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ पुल पर बैठकर क्यों अपनी फजीहत करवा रहे हो? फजूल की बातें मत करो, मुझे अपना काम करने दो। तो ठीक है भाई, मगर तुम कोई और काम भी तो कर सकते थे। और क्या कर सकता था, मालिक के बेटे ने निकाल दिया है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जमीन जायदाद कोई नहीं है, यहाँ तो ग्रेजुएट नौजवानों को कोई काम नहीं देता, मेरी क्या भी साथ। तो भला हो इस भले मानस का जो इसने मुझे साथ बिठाया, काम सिखाया, और इस बी का भी शुक्रिया जिसने मुझे सामान खरीदने के लिए रुपए दिए। अरे शुक्रिया ऊपर वाले का। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए, कौन सी मछली चाहिए? ये लो ताजी है, सारी मछलियाँ डल की हैं। कौन सी तोलू? ये वाली ठीक है। हाँ, ये दे दो, ताजी ताजी, 2 किलो कर देना। अरे अभी 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 करते हैं, अभी करते। संतोष बेटी, संतोष उठ जा बेटी, उठ जा। अरे उठना माँ, बस अभी 2 मिनट। देख बेटी, आलस करेगी तो इम्तिहान की तैयारी कैसे करेगी? इस बार तुझे 10वीं का इम्तिहान देना है, समझी? उठ उठ जा बेटी, उठ जा। मैंने 6 बजे का अलार्म लगा रखा है, अभी 10 मिनट है ना माँ। हाँ, तो क्या हुआ?
अरे देख तो, देख बाहर कितनी अच्छी सुबह है। पर्वतों के पीछे से सूर्य का प्रकाश हर शिखर को आलोकित कर रहा है। और हाँ, वो देखना शंकराचार्य का मंदिर पर्वत के ऊपर कैसा अनुपम लग रहा है। उठ बेटी, मैंने खिड़की खोल रखी है, बाहर का नजारा तो देखना बेटी। तुम भी ना माँ। अच्छी बच्ची, मेरी बच्ची, उठ जा बेटी। अरे आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? टंकीपुरा। इतनी सुबह? हाँ, वो उस दुकान का मालिक सुबह सुबह शहर को जाता है और फिर वहीं से घर को निकलता है। दुकान मालिक? कौन सा दुकान मालिक? शीला, बता है तो था, मैं और अजीज एक दुकान किराए पर लेने की सोच रहे हैं। 5 साल से पुल पर बैठे बैठे काम चला रहे हैं। अब काम चल पड़ा है तो दुकान होने से अच्छा ही रहेगा ना, है? क्यों? तो फिर बरसात और बर्फ के दिनों में भी काम रुकेगा नहीं। हाँ, सो तो है। 5 साल ऐसे बीते जैसे कल की बात हो। बिल्कुल, दिन खुशहाल हो तो वक्त जल्दी बीतता है। हाँ, मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब नाराज हो गए, मगर आप चट्टान की तरह डटे रहे। राधा कृष्ण की बीबी अब भी ताना मारती है। अरे छोड़ो छोड़ो, उससे क्या होता है। चलता हूँ, नहीं तो वो निकल जाएगा। हाँ ठीक है, उठ संतोष, उठना। देख तेरे पापा भी आज सुबह सुबह निकल गए हैं। हाँ सुना मैंने, सब सुना। मुझे भी स्कूल की लड़कियाँ छतरी पंडित की बेटी कहकर बुलाती हैं, चिढ़ाती हैं मुझे। ओफो, उससे क्या होता है? हाँ माँ, उससे क्या होता है, मगर बहुत कुछ होता है। अच्छा अच्छा, मेरी बेटी अब उठ भी जा। उठ जा बेटी, तू अरे अजीज। हाँ बी। ये जो पूरे शहर के इतने ग्राहक आते हैं, उनका क्या, वे कहाँ से छतरियाँ खरीदेंगे? अरे बी, वो नई दुकान पर आएंगे, टंकीपुरा, दूर ही कितना है। उस दुकान पर हम तिरपाल वगैरह भी रखवाएंगे और दीवार गिर भी बेचेंगे। अरे अजीज, तू तो बड़ा कारोबारी हो गया है। हाँ बी, हम यहाँ अपने नए पते की तख्ती टांगेंगे और लिख देंगे कि सभी खरीदार मेहरबानी करके वही तशरीफ लाएं। अरे तू फिक्र मत कर, मैं सभी को वहाँ भेज दूंगी, एक एक को जानती हूँ। हाँ ये तो है। इस पुल के किनारे पिछले 25 साल से बैठती आ रही हूँ। और जानता है, मेरी माँ भी यहीं बैठा करती थी। यहाँ के लोगों को 7 पुश्तों से जानती हूँ। हाँ हाँ भी, मैं सब जानता हूँ। वो तो ठीक है, तुम दोनों का दूसरे मोहल्ले में जाना अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। ऐसा क्यों? अरे अच्छा इसलिए कि तुम दोनों तरक्की कर रहे हो, और बुरा इसलिए कि अब मैं किससे बतियाऊंगी? अरे मछलियों से। अच्छी कमाई के बावजूद भी शीला खुश नहीं है, ना ही संतोष को मंजूर है कि मैं छतरियां बनाने का काम करूं। कॉलेज में लड़कियां उसे चिढ़ाती है। मैंने लाख समझाया बेटी, कोई भी काम ऊंचा नहीं होता, पर वो दोनों ही खफा है। आज भी इतनी बहस हुई उनसे। उधर
शहर में अफरा तफरी बढ़ने लगी है। कल नुमाइश मैदान के पास विस्फोट हुआ, आज आतंकवादियों ने नेता टपलू को मार दिया। शहर में कर्फ्यू लगा है, ना जाने कितने दिन और दुकान बंद रहेगी। समझ नहीं आता क्या करूं क्या हुआ? इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर तो कर्फ्यू लगा है, कोई आतंकवादी तो नहीं? दरवाजे पर आप दरवाजा मत खोलिए। हाँ पापा, लेकिन चीरा पूछना तो पड़ेगा कि कौन है। मैं देखता हूँ क्या हो गया। बेटी, अरे तुम कैसे आए? एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में क्यों, क्या हुआ? क्रॉस फायर में बी को गोली लग गई है। वैसे वो बच गई है। अस्पताल में बातें हो रही थी कि वादी में बहुत से आतंकी घुस आए हैं, ये कर्फ्यू अभी हटने वाला नहीं है। अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। ये क्या है? दालें लाया हूँ आपके लिए, न जाने कितने दिनों तक घर में रहना पड़े, काम आएंगे। रख लीजिए। तुम अब जाओगे कैसे? मैं इसी एम्बुलेंस से जाऊंगा, इसमें बी का बेटा भी है, हम दोनों को ये पुलिस एम्बुलेंस छोड़ देगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है, इस वक्त मैं रोक भी नहीं सकता। ठीक है, चलता हूँ। पापा, इन बिना कांच की खिड़की से बरसात का सारा पानी अंदर आ रहा है। बेटा शिवर में तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करो, ये सामान इस तरफ ले आओ। मुझे सामान की नहीं, माँ की चिंता है। हाँ बेटी, कई दिनों बाद इसकी आंख लगी है। हाँ। पूरे दिन का बस का सफर, फिर दो दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और तब जाकर जम्मू के इस शरणार्थी शिविर में जगह मिली है। ये बेटी, ये कंबल भी शीला के ऊपर डाल दो दीजिए और इसे आराम करने दो। पापा कितना खुरदुरा कंबल है ये। बेटी कैंप का कंबल ऐसा ही होता है, हाँ तनाव ना पड़ता तो हम यहाँ आते ही क्यों? ना जाने अजीज का क्या हाल है, बी को भी अस्पताल से छुट्टी मिली होगी कि नहीं, कौन जाने। बेटी किसको पता था कि हालात एकदम बिगड़ जाएंगे। पापा हमें माँ को कुछ खाने के लिए भी देना चाहिए। मतलब? मतलब कुछ अच्छा खाना, खाली ब्रेड कब तक खिलाते रहेंगे? बेटा इस बड़े से हॉल में जितने भी 20-22 परिवार दुबके बैठे हैं, सबके साथ यही है, सब यही खा रहे हैं। मगर उनकी माँ बीमार नहीं है, मेरी माँ बीमार है पापा। जानता हूँ जानता हूँ बेटी, मगर मैं अच्छा बेटी अभी इसे सोने दो, सुबह होते ही कोई इंतजाम करूंगा। ठीक है। किसी डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर तो होगा ही। क्या पता बेटी, दरअसल पूरी यात्रा में ये खिड़की वाली सीट पर बैठी रही, बारिश का पानी इसके कंधों पर गिरता रहा, शीशा बंद भी किया मगर तब भी पानी रुका नहीं। जब हम बस से उतरे तो इसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। पापा लगता है माँ को हल्का हल्का बुखार भी है। हाँ, कल सुबह डॉक्टर के पास ही ले जाऊंगा। ठीक है। चल अब तू भी बेटी सोने की कोशिश कर, मैं भी कुछ आराम करूं। पूरा दिन और ऊपर से ये बारिश। ठीक है, करती हूँ सोने की कोशिश मैं भी। तीन दिनों से मैं भी कहां सोई हूं। बताए पापा सो गए। कितना कुछ किया पापा ने अपने परिवार के लिए, कितने दर्द और गम अपने सीने में छुपाए सो रहे हैं। कितनी उम्मीदों से मुझे कॉलेज भेजा था, दूसरे ही दिन एक रंगीन छतरी थमा दी थी, जैसे जीवन के सभी रंगों से भरा एक नया भविष्य मुझे देना चाहते हूँ।
शायद मैं ही नहीं समझ पाई। सिस्टर। यस सर। इस पेशेंट को भी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। यस सर। ये रही इनकी फाइल, सारे टेस्ट आज ही होने हैं ताकि दोपहर तक सारी रिपोर्ट आ सके। और हाँ, ये फाइल वाले कागज आप इनको दे दो, ये इन पेशेंट काउंटर पर जाकर पेशेंट को रजिस्टर करवा लेंगे। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इनको एडमिट करना होगा। जी, यहाँ हम सभी जांच करा लेंगे और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। मगर इसे हुआ क्या है? स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक, इन्हें लकवा मार गया है। तभी ये बाजू और पैर उठा नहीं पा रही हैं। मगर डॉक्टर साहब, ये बोलती क्यों नहीं है? गुमसुम देखती रहती है। शॉक, आप घबराइए मत। जी, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ ले आए। जी, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ये रहा मुट्ठी का माइग्रेंट कैंप, इसी में दीनानाथ का परिवार भी रहता है। यहाँ ये भीड़ कैसी? खैर छोड़ो, देखता हूँ दीनानाथ को पहले, वो कहाँ है। अरे हाँ, वो रहा सामने, दिख गया। आगे संतोष और पीछे दीनानाथ, लेकिन शीला भाभी वो तो वहाँ नहीं है। बेटी, आप पूछ लेना कि ये फार्म किस लिए है। जी पापा। ये लीजिए चावल बहन जी, थैला ठीक से पकड़िए, नहीं तो गिर जाएंगे। हाँ जी। और ये चाय, और ये लीजिए चीनी का पैकेट। ये फॉर्म किस लिए बांटे जा रहे? आप लोगों का आरजी राशन कार्ड बनेगा, यहाँ इस रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए। यहाँ जी। हैंडराइटिंग भी अच्छी है। और आप? ये मेरे पिता हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये फार्म अभी भर के ला देना। चलो चलो बेटा, चलो चलो चलो, कैंप के अंदर चलते हैं। हाँ, ये थैला तो उठा लो ना। हमें नहीं चाहिए आरजी राशन कार्ड, रहने दो ये फार्म। क्यों पापा? नहीं चाहिए, हम ये कैंप ही छोड़ देंगे। क्यों पापा, क्या हुआ? वो आदमी अजीब ढंग से लालसा भरी नजरों से तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था। खैर, मैं तुम्हें बाद में कभी समझाऊंगा। मैं समझ गई। मेरी संतोष, तेरी बच्ची, कितनी सयाली हो गई हो तुम। इस हालात में कहां कहां तक तुझे भटकाता रहूंगा। पापा, इससे तो अच्छा यही है कि मैं कोई किराए का कमरा देखूं। हाँ। अरे दीनानाथ, दीनानाथ। अरे ये कौन पुकार रहा है मुझे? पापा, वो राधा कृष्ण अंकल है, कैंप के गेट के पास खड़े, देखिए उधर। हाँ हाँ, वही है। तू ये बेटी दोनों थैले पकड़कर अंदर चल, मैं उसे लेकर आता हूँ। जी पापा। अरे राधे, तू कैसे पहुंच गया यहाँ? अरे भाई, जैसे तुम पहुंचे। नहीं मतलब, तुम्हें किसने बताया कि मैं इस कैंप में हूँ? श्यामलाल ने। कौन श्यामलाल? अरे वही जिसके टाइप इंस्टीट्यूट के नीचे टंकीपुरा में तुम्हारी दुकान थी। हाँ हाँ हाँ, वो भी हमारे ही कैंप में है। तुम्हें इस कैंप में रहते कितना टाइम हो गया? लगभग 5 महीने। पहले तो 2-3 दिन इधर उधर भटकते रहे, फिर यहाँ सिर छिपाने की जगह मिल गई। अच्छा ये बताओ, शीला भाभी कैसी हैं? वो नहीं है। वो नहीं है मतलब? वो सभी कष्टों से मुक्ति पाकर चली गई।
साफ साफ कहो दीनानाथ, क्या हुआ उन्हें? राते वो छोड़कर चली गई। क्या? जब से यहां आए हैं तब से बीमार थी, फिर मैं बख्शीनगर के अस्पताल ले गया, वहां कुछ दिन रही, फिर वापिस यहां आया। फिर मालिश से एक आदि चलते रहे मगर कोई लाभ ना हुआ, उसे लकवा मार गया था। दो तीन महीनों तक यूं ही चलता रहा। एक शाम जब संतोष उसके पैर की मालिश करने लगी तो देखा कि वो बर्फ सी ठंडी पड़ी थी। उसने फिर से छूकर देखा, पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मैं अपने बेटी के साथ इस शेड में मुफलिसी के दिन बिता रहा हूं। हे ईश्वर, कृपा करो, कृपा करो। देखिए दीनानाथ जी, जी मेरे मकान में पहली मंजिल में भी एक कमरा खाली है। ठीक है जी, अगर आप उसमें गुजारा कर सकें तो मुझे किराए पर देने में कोई एतराज नहीं है। उसमें एक फायदा यह भी है कि बाथरूम वगैरह वहीं छत पर ही है। रामलाल जी, मुझे मंजूर है, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। किराया तो आपने बता ही दिया था। हाँ, मगर बिजली का खर्चा अलग से देना होगा। मुझे वो भी मंजूर है, मैं आज ही अपनी गठरी लेकर आता हूँ। क्यों, मुहूर्त वगैरह नहीं देखेंगे? आप तो पंडित हैं। जी नहीं, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। फिर ठीक है, जब मर्जी आ जाइए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जी मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। हाँ मगर 9 बजे से पहले आ जाइएगा। जी मगर क्यों? यूं तो पंचतीर्थी में रात के 11 बजे तक चहल पहल रहती है, मगर हम 9:30 बजे तक आंगन का गेट बंद कर देते हैं। 10 बजे तक तो मैं सो भी जाता हूँ। रामलाल जी, मैंने कौन सा पहाड़ उठाकर ले आना है, थोड़ा सा सामान है, आपका गेट बंद होने से पहले ही हम पहुंच जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। जी दीनानाथ जी। पापा, कमरा हाँ? तो अच्छा है। हाँ बेटी, यहाँ एकांत है, ना ताक झाक ना कोई दखल अंदाजी। पापा है? ये देखिए, यहाँ एक अलमारी भी है। हाँ मगर बेटी, हमारे पास इसमें रखने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। अरे ये क्या है, ये इस झोली में क्या है? बेटी इसमें तुम्हारी माँ के जेवर है, और समय समय पर मुझसे छिपा कर बचाए हुए रुपए। वहां से हड़बड़ी में निकलते समय ये झोली उसने मुझे थमाई थी। बेटी आज ये मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। पापा ये क्या? पापा कुछ नहीं, बस बेटी यूं ही आंखें भर आए। पापा आप तो हिम्मत वाले हैं। हाँ बेटी मगर आप तो बाजार जाने वाले थे। हाँ बताओ बेटी क्या लाना है? कुछ किताबें। किताबों के नाम किसी कागज पर लिख दो। हाँ हाँ लिख देती हूँ। हाँ। एक तो ये रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म बाय A.R. देसाई। हाँ। ये पहली किताब। हाँ। और दूसरी इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स बाय K.P. करुणाकरण। हाँ। पापा ये दो किताबें। ठीक है बेटी ठीक है, आराम से जाना। जी
बाबूजी ये फॉर्म जमा करवाना है। अरे पंडित जी बारिश रुकने के बाद आ जाते यहाँ, रिलीफ कमिश्नर का दफ्तर तो 5 बजे तक खुला रहता है। जब मैं डेरे से चला था तब बारिश नहीं थी। अरे तो फिर छतरी साथ रख लेते, देखो पूरे भीग गए हो। अब ना छतरी है ना छतरी का साया। देखिए पंडित जी जुलाई का महीना है ये, बरसात तो होती रहेगी। ये क्या आपके तो डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है, अभी तो एक दो चक्कर और लगेंगे। मेरी मानो एक छतरी खरीद लो, और अगर है तो फिर थी मगर छूट गई कहीं, तब मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ किसी के दस्तखत नहीं है, एप्लीकेंट तो आप ही हैं ना। हाँ मैं ही हूँ दीनानाथ। तो फिर ये लीजिए फार्म। हाँ। पूरा करके लाइएगा और सभी डिटेल्स भी भर दीजिएगा पंडित जी। जी जी अच्छी तरह देख लेना कोई कागज छूट ना जाए। जी शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हो। ठीक है जी ठीक। पापा देखे तो कौन है। हमारे यहाँ कौन आ सकता है। कौन? दीनानाथ जी मैं हूँ। अरे ये तो अपने रामलाल जी हैं। आइए आइए आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। रामलाल जी सब ठीक ठाक है ना। हाँ हाँ सब ठीक ठाक है। दरअसल आप लोगों की कोई रजिस्टर्ड चिट्ठी आई है, पोस्टमैन मुझे दे गया और मैं आपको देने आ गया। दीजिए। ये लीजिए। अरे ये तो मेरी चिट्ठी है। देखो बेटी होगी किसी नए इम्तिहान की चिट्ठी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। बड़ी मेहनत करती है संतोष बेटी। अच्छा मैं चलता हूँ। जी पापा? जी पापा ये देखिए ये बैंक ऑफ टोक्यो का लेटर है। मतलब पापा मैं दिल्ली के इम्तिहान में पास हो गई हूँ। ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज ट्रेनी एग्जीक्यूटिव है। हाँ। मुझे दिल्ली जाना होगा और फिर ट्रेनिंग के लिए विदेश में जाना पड़ सकता है। बेटी यकीन नहीं हो रहा है, जरा दिखा मुझे ये पीला लिफाफा, इसे छू लेने दे। इस इतनी लंबी चिट्ठी के 2 पन्नों पर क्या लिखा है बेटी, मुझे दीजिए। देखा इसमें टर्म्स यानी ट्रेनिंग आदि की पूरी जानकारी है पापा। मुझे दिल्ली जाकर किससे मिलना है वगैरह वगैरह। और लिफाफे के ऊपर लिखा है मिस संतोष कुमारी भट्ट, डॉटर ऑफ दीनानाथ भट्ट। बस बस मुझे मुझे सब कुछ मिल गया, दुनिया की सारी खुशियां नसीब हुई हैं आज। मैं धन्य हो गया बेटी, मैं धन्य हो गया। हाँ पापा मेरे अच्छे पापा। देख देख ये बेटी संसार कितना सुंदर है, देख तो कितना सुहाना है आज का मौसम। वाह। हाँ पापा। अरे दीने तू यहाँ शिव मंदिर की सीढ़ियों पर, जब से तू कैंप से निकलकर पंज तीर्थी गया तब से तुझे से गायब ही हो गया। भाई मैं कई जरूरी कामों में उलझा था। अरे ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है, तू नहीं समझेगा तू। अच्छा? नहीं समझेगा। अच्छा तू ये बता ये धीरे धीरे कमर पर हाथ रख कर क्यों चल रहा है। अरे भाई बुढ़ापे की दस्तक। और बता संतोष कैसी है। अच्छी है बिल्कुल अच्छी है। हाँ। ट्रेनिंग के लिए विदेश गई है। अच्छा। हाँ उसने इम्तिहान दिया था उसमें पास हो गई है। वाह। 1 महीना पहले चली गई है। अच्छा। पूरे 5 महीनों बाद विदेश से लौटेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग है भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है, भगवान उसे लंबी उम्र दे। बड़ी ही होनहार बेटी है। मैं तो कहता हूँ तू भी अपने बच्चों से कह के मेहनत करते रहें और उनका तू हौसला बढ़ा। हाँ दीना ये तो ठीक कह रहा है, पर दीनानाथ अब संतोष के लिए कोई गुणी लड़का मिल जाए तो कितना अच्छा हो, सोने पे सुहागा। तो तू
भाभी से बात कर, वो देख लेगी कोई अच्छा सा लड़का। हाँ मैं जाते ही कौशल्या से बात करूंगा, कहीं कुछ तय हुआ तो मैं तुझे बता दूंगा। मेरी हर हफ्ते संतोष से बात होती रहती है। तो क्या तूने डेरे पर फोन लगवाया है? नहीं रे राधा कृष्ण, नहीं, पड़ोस के डॉक्टर शर्मा के घर फोन है। अच्छा। वही वो हर बुधवार को फोन करती है, जो भी होगा मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा तू कहां तक जाएगा? वही शालीमार चौक तक, वहां से पंचतीर्थी का मेटाडोर ले लूंगा। तो फिर चल, मैं अभी वहीं से कोई मेटाडोर पकड़ लूंगा और जिवेल चौक पर बदल लूंगा। चल चल चल, आजा आजा। पापा। हुँ? मेरी पोस्टिंग हो गई है। अरे वाह, कोई चिट्ठी आई है? नहीं, अभी पीसीओ से फोन किया था। सुनीता ने बताया? हाँ हाँ, उसकी भी पोस्टिंग हो गई है। ट्रेनिंग भी साथ साथ हुई और अब जॉइनिंग भी साथ साथ हो रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर जॉइन करना होगा पापा। तो तुम दिल्ली में काम करोगी? नहीं पापा, वहाँ जाकर ट्रेनिंग की रिपोर्ट जमा करूंगी और अपनी पोस्टिंग के पेपर्स भी ले लूंगी। मतलब? मतलब कि मुझे मुंबई में ज्वाइन करना होगा। इतनी दूर? क्या इनकी शाखा जम्मू में नहीं है बेटी? नहीं पापा, और अगर होगी भी तो भी मैं यहाँ कभी ज्वाइन नहीं करूंगी। क्यों? पापा आप ही ने तो सिखाया है सिर उठाकर जीना और आगे बढ़ते जाना। पापा आप मेरे साथ चलेंगे। ठीक है बेटी, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है। बेटी संतोष ये किताब रख दी है तुम्हारे बैग में। ठीक है, बाकी किताबें यहाँ पड़ी हैं, इनका क्या करूँ? मैं देखती हूँ, जो जो मेरे काम की उन्हें रख लूंगी और जिनकी मुझे जरूरत नहीं है उन्हें रामलाल अंकल के बच्चों को दे दे। ठीक है बेटी, ठीक है। अरे भाई दीनानाथ। अरे राधा कृष्ण, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सही वक्त पर आ गए हो तुम। ये क्या सारा सामान बिखरा पड़ा है? ओ, तो तुम सामान बांध रहे हो? अरे भैया सामान के नाम पर ये कंबल, दो गद्दे, ये बत्ती वाला स्टोव, कुछ बर्तन और ये किताबें हैं, और ये मेरा छोटा सा ट्रंक भी है बस। मतलब तुम लोग जा रहे हो? हाँ राधे, ये कंबल तुम रख लो, सर्दियों में तुम्हारे काम आएगा। ठीक है। ये लो मेरा माइग्रेंट कार्ड और ये मेरा आरजी राशन कार्ड भी। मैं इनका क्या करूंगा? मैं भी क्या करूं, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीनानाथ कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं नहीं, तुम बेशक इन्हें फाड़ देना। अच्छा तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? शाम 7:25 की। तो फिर ठीक है, मैं स्टेशन पर तुमसे मिलता हूँ। ठीक है ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ। पापा। हाँ बेटी। आप यहाँ इस बेंच पर बैठो, मैं चार्ट देखकर आती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं और राधे यहीं बैठे हैं। ठीक है राजे, ये बैग नीचे रख, थक जाएगा तू, कौन सा जवान है। अरे नहीं ज्यादा भारी नहीं है ये। अरे रख ना, इस ट्रंक पर रख दे। चल। अच्छा अच्छा, ये दीनानाथ जो भी हो मगर ये अच्छा नहीं हुआ। भाई अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है? नहीं वो बात नहीं। तो फिर
संतोष ने उस लड़की से शादी करने से इनकार जो कर दिया। अच्छा ही तो किया, लेकिन दीना इतना काबिल लड़का, ऐसा परिवार। देख देख राधे, तेरी भी दो बेटियां हैं, उनको अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सिखा। और हाँ, तुम्हें पता है राधे, उस परिवार से मिलने के बाद संतोष को कितनी चोट पहुंची? वो तो कह रही है कि अब वो शादी ही नहीं करेगी। क्या? मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा उसके साथ। अरे, तुम कैसे पिता हो? मैं ऐसा ही हूँ छत्री पंडित, जैसा कि उस लड़के ने संतोष से कहा था, छत्री पंडित की बेटी हो। लेकिन दीनानाथ, तुम हमारे सिरों से साए उठते जा रहे हैं राधे, मगर हमारे बच्चों के सिरों पर ऐसा साया हो जो ने धूप और बारिश से बचाता रहे। गरम पूरी। पापा, ट्रेन लग गई है, इसी को आगे मैं ये बैग और अटैच उठा लेती हूं। अंकल आप इनके साथ जाते हैं? हाँ हाँ बेटा, लाओ तो ये ट्रंक मुझे दे दो, मैं उठाता हूँ। अच्छा रुक रुक, क्या हुआ? अरे ये ट्रंक क्यों खोल रहे हो? इसमें से अपने औजारों का थैला निकालना है। वो क्यों? इसे इस डस्टबिन में फेंक देना है। अरे संतोष आगे निकल गई है, चल चल तू, मैं इसे फेंक कर आता हूँ। उसे इशारे से बता के हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। ये दीनानाथ का संदूक मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ स्लीपर के नीचे। मैं सरका देता हूँ। भाई हाँ। आइए पापा, ये नीचे वाली दोनों बर्थ हमारी है और ऊपर वाली दो ये उस पति पत्नी की। दीनानाथ, इस गाड़ी की टिकट तो बहुत महंगी होगी। हाँ, मगर ये तो संतोष की करामात है, मैं तब भी दीना था, आज भी दीन। अच्छा अंकल नमस्कार, अब आप उधर जाइए, ट्रेन चलने वाली है। ठीक है बेटा। शुक्रिया राधे, शुक्रिया। अरे गए तो मिलने आज। अपना अपना ख्याल रखना। अच्छा संतोष, फिर कब आओगे बेटा? कह नहीं सकती अंकल, शायद कभी नहीं। गाड़ी चली गई, दीनानाथ अपनी दुनिया में बहुत खुश और संतुष्ट। दीन दुनिया नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप डॉ गौरी शंकर रैना के मूल कश्मीरी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सरला रैना ने किया था। निर्देशिका थी अंजलि शर्मा। प्रस्तुति सहायिका विजयलक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। दीनानाथ, कीमती आनंद, राधा कृष्ण, किशोर सहजानी, संतोष, कुमकुम जैन, शीला, नीरू अग्रवाल, अजीज छत्रीवाला, एम एच नियाजी, मछुआरन, संगीता रघुवंशी, रामलाल, सुनील लोहिया, डॉक्टर संजय वर्मा और रिलीफ क्लर्क राजेश काम्बोज।